वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गोरपुरे वाजे अनहद तोरे सर्व कल्याण प्राव किने कार कृपा आप दिने ताप गवाया गोरपुरे वाजे अनहद तोरे सर्व कल्याण प्राव किने कार कृपा आप दिने वेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सर से होए हर हर नाम त्याए रहाओ जो मंगा सो लेवा है प्रभ अपने संतां देवा है हर गोविंद प्रभ रखिया जन नानक साच सुभाखिया जो मंग है सो लेवा है प्रभ अपने संतां देवा है हर गोविंद प्रभ रखिया जन नानक साच सुभाखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम वाहिगुरु जियो तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तार गोरपुरे मेरी राख लई गोरपुरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई चुको चुक अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार मेहरामत दा सदका अज सारा संसार धन गुरु रामदास पिता महाराज जी दे दरबार चों अमृत वेले जो पाक पवित्र हुक्मनामा साहिब आउंदा है उहदे दर्शन करन लई सतगुरां दे पवित्र हुक्म नूं मन्नन लई अपने जीवन नूं सतगुरु दे प्यार ते शुकरां विच रंगण लई उड़ीकदा है अपनी श्रद्धा ते प्यार भावनावां भेट करते हो आओ अज जो गरीब अनुवाद पिता ने हुक्म बख्शिया है बहुत मेहरां कीतियां ने ਉਹ ਅੱਜ 626 ਅੰਗ ਤੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
गुरु बख्शी फतेह दी सहन पाओ अदब नल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज गरीब अनुवाद पिता जी ने बचन किया है बेदन सतगुर आप गवाई बेदन पीड़ा दुख जिंदगी दी हर प्रकार की पीड़ा ते दुख मेरे सतगुरु ने आप गवा दिता दूर कर दिता है। केड़े वड़े बचन खान पर आज कुछ कु गल्लां महाराज जी दे कर दिया जिहड़ियां इस हुक्मनामा साहिब नाल संबंधित हैं चाहुंदा उहदे दीदार संखेप रूप विच कीते जाण। दुनिया का हर मनुख अज किसी ना किसी पीड़ा दुख तकलीफ नाल घिरिया होया है। महाराज जी दे बचन ने नानक दुखिया सब संसार। कमाल एक है एक पासे समस्त संसार दुख की पीड़ा कलेश की पीड़ा मुश्किलों की पीड़ा खंडार रहा है ते दूसरे पासे सतगुरु जी उदा इलाज दस रहे ने अंतां दा सौखा ते अंतां दा प्यारा। महाराज जी दे बचन ने रहाओ दी पंक्ति सिख संत सब सरसे खोए हर हर नाम त्याई दो शब्द कट्ठे वरते सिख भी उसे आत्मक अवस्था लई ते संत भी शब्द सतपुरा ने उसे ही आत्मा लई वरते खान। प्यारो संत जां सिख दा मतलब गुरु साहिब कहिंदे जिहड़ा परमेश्वर दा नाम जप रहा है जिहड़ा अकाल पुरख दे चरणां नूं प्यार कर रहा है जिस दे जीवन दे अंदर रब दी याद चल रही है। साहिब कहिंदे जेकर कोई दुनिया दा मनुख चाहुंदा है कि पीड़ा मुक जावे किसी प्रकार की कोई पीड़ा दुख तकलीफ जिंदगी च ना रवे उन्हूं अपने अंदर एक रस पैदा करना पवेगा। सरसे का मतलब सरसा शहर तो नहीं सरसे जां सरसे जिदी जिंदगी च रस है जिन्ना चिर वह रस नहीं आउंदा उन्ना चिर पीड़ा ते दुख नहीं जाने। जदों ਇਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਕੋ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀ ਖਰੀ ਨਾਮ ਧੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 आरंभ करते हैं। प्यारे महाराज कहिंदे दुनिया दे विद्वानां ने कविता विच नौ रस मन्ने खान शांत रस है वीर रस है रोध रस है भयानक है कई प्रकार के रस ने जदों कोई कविता पढ़दा है जिहड़ा प्रभाव सुरती कबूल दिए उन्हूं क्या गया रस। यह कविता सुन के तुहाडा लड़न नूं जी करेगा एक कविता सुन के अंदर प्रेम पैदा होएगा
ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਖੰਜੂ ਕਿਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨੌ ਰਸ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਐਖੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੀੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਸ ਆਵੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਪੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਖੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਸ ਆਵੇ। ਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਖੋਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਦੇਖੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਘੱਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਘੱਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗਿਓ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖੋਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਭੈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੋਵੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਵੀ ਖੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ
आम दुनिया की तरह झूठ बोली जाए, खत मारी जाए, औगुण भी कट्ठे करी जाए ते नाम बाणी ने रहत हो। यह दो तरह की रहत होंगी है, पंचक रहत, शख्शी रहत। पर इहदे तों इहनूं इस तरह समझीदा है, एक बार मुखी रहत है मर्यादा, भई आपने चार बजर कुरहता तो बचना है। पंज ककार पहनने खैन श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता जी गुरु मनना है, गुरु तो इलावा किसी होर गुरु नहीं जानना। बार मुखीए पंच नठा कर सब तो पवित्र तरीका है, पर एक रहत अंदर दिए भी साढ़े अंदरों काम की अग ना निकले, क्रोध निकल जावे, लोभ ते झूठ तो बच के रहना, अहंकार तो परे खो के रहना, सात संगत निंदा ते चुगली ना खोनी। आसा दी वार है ना उच्च एक बचन, पर लोग जो कोई बच्चा जन्म लेंदा सूतक मनते हैं, कोई वर्त रखते ने, सानू कमे वर्त रखो झूठ बोलन तो, वर्त रखो अहंकार करन तो। हर चीज के अर्थ बदल के सतगुज ने रख दते ने, कहिंदे जे अंदरली रहत नहीं सिखा रखे बाहरली रहत तेरी एक पाखंड बन के रह जाएगी। लोग ककार पंज वेख के आउण ते साडे अंदरों गुरु के प्यारे निंदा ते चुगली निकले, वो तुहाडी पंज ककार दी वर्ती लोकां दा भला नहीं करेगी। ऐसा होवे बाहर बाणा खोवे अंदर बाणी होवे। होला महला चल रहा है ना, कई दिन तो संगतां बेशुमार श्री केसगढ़ साहब की धरती नमस्कार कर जा रहीआं ने, हैरान कोई दा शरदा तो बलखाते जाइए, सैकड़े किलोमीटर तो ट्रालिया ते ट्रैक्टरां ते ट्रकां ते बरसात दा मौसम, ठंड, टुटियां सड़कां, धक्के इन्हें जोर दी पैणे, पर किसी प्रेम दे बजी खोईआं संगतां सतगुरु दे चरणां विच दौड़ियां जा रहीआं खन, दुख ते तकलीफ झल के भी उस प्यार नूं नमस्कार कर दियां ने। उन्हां दे चरणां विच साडी करोड़ां वारी नमस्कार, जिहड़ियां रूहां मेरे सतगुरु दे घर चल के जा रहीआं ने, उन्हां दी चरणां दी धूड़ मस्तक ते लाईए। पर मैं बेनती कर लगा खां नाल प्यारो, उहदे होल महल अज जदों निकलदा मैं कल बेनती करांगा उस दिन ते, सात संगत किवें जदों सिंह बाणा पा के निकलदे खां, कोई होर ही दुनिया का दृश्य पेश हुंदा है, जिथे बाहरों सोहने लगीए उथे अंदर की खूबसूरती भी साडे कोल चाहीदी है। अंदर खूबसूरत सुंदरता बनानी आ नाम ने, जिहड़ा सिख धर्म है ना यह कोई खुशक जा ज्ञान का भंडार नहीं, ओ ना करो आ ना करो खुशक जीआं गल्लां। जदों सिख सचमुच सिखी नूं प्यार करेगा इनू अंदरों रस नहीं आएगा, इहदा जीवन इन्हां रस नाल भर जांदा है, जिन्हां राहां तो लंघ के जांदा उन्हां दे भी जीवन किसी अनोखे रस नाल भरपूर हो जांदे ने। कलगियां वाले पिता ने मेहर कीती सी ना, लोग होली मनांदे, सतगुरु कहिंदे आपां होली भी मनाउणी है, वह एक साल बाद मनांदे ने, पर असीं रोज मनाउणी है। हाँ कुछ दिन मन गए ने ते आ होलियां दे दिन ने, ब्याह ना करिया जे, बच्चों के कोई खुशी का समागम ना करना, यह गल्लां अणजाण पुणे दीआं ने। साडियां खोलियां खोर बनाईआं सतगुरां ने, एक ते कहिंदे ने साडियां खोलियां पंज सत दिनां दीआं ने चाहीदीआं, दूजी गल असीं खोली रंग सुट के नहीं मनाउणी, साडियां खोलियां कुछ होर ने। ओ केड़ियां ने, सतगुरु कहिंदे खर रोज खोली खेडो, मनाओ नहीं खेडो, मनानी ते खेडन च फर्क है। ओ खोली किवें खेडनी है, कल्या नाम जपो, नाम दा रंग अपनी आत्मा ते चाड़ो, जदों तुसी संगत विच मिल के नाम जपोगे उदों तुसी एक दूसरे ते भी रंग सुट्टोगे। किवें तुसी वेखदे हो कई बार सात संगत कल्या नाम जपदे हो ते अंदर टिकदा नहीं, जदों कुछ रूहां जुड़ियां खुण उहदे प्यार विच बैठियां एकदम अंदर टिकदा,
एकदम अंदर किसी गुरु के प्यार गुणूंद खो जाता है। सतगुरु जी कहते ने जो ती आत्मा नाम चरंगी जावे समझ लेना अज खोली खेडी गई। सात संगत बचन खोली कीनी संत सेवा, आ गुरु की संगत की सेवा करनी ये खोली खेडनी है। जो सुरती ओदे प्यार विच भेजदी है प्यारो रल के एक दूसरे वेख के रंग चढ़ता है। महाराज कहिंदे ने आज कमारे बने पाग प्रभु संगी मिल खेलन लाग। रब दे प्यार वालियां रूहां जदों कठियों होके जपदियां ओ खोली खेड रहियां ने। पर कमाल ओ खोली खेडन लोक ते खेलते ने। तुसी खोली खेडो तुहाडे नेत्र भी बंद तुहाडे खच भी जुड़ जांदे कन तुहाडियां समाधियां लगियां खुंदियां ने। अंदर ते बाहर किसे प्यार विच भिज के एक मूर्त जी बन के रह जांदे हो। एक भरोसा कर आजे अज हुक्मनामा साहब के अंदर बचन ने बहुत खुशियां भरपूर सतगुरु के बचन दे। साहब कहिंदे सिख संत सब सरसे खोए सब विच तुसी भी आउंदे हो। पूरा गुरु नानक नाम लेवा रब का प्यारा हर वीर भैन आउंदा है। सात संग महाराज कहिंदे सी चाहुंदे आ हर सिख संत का जीवन किसी रस नाल भर आ जावे। वो रस सात संगत जिन्हें देना है ना वो रस सतगुरु दे अपने खाच विच है। सानू तो कमने नाम नू प्यार करना बाणी नू प्यार करना रहत रखनी ते तीजा पंच दी सेवा विच तत्पर रहना चार चीजा कठिया रखनिया। पर जदे कम करांगे काले ना प्या करो भाई हुण सानू ते रस आया ही नहीं साडा खुरे की बनेगा। जदों असीं इह गल्लां करदे आ ते पखंड जन्म लैंदा है। कोई ना कोई तुहानू आ मिलेगा जिहड़ा कहेगा आ मेरे नाल मैं तैनू रस देंदा नहीं। इह कहानी भज्जण दी नहीं टिकण दी है। रस लैणा इस दाते दे दर ते टिक के बेनती करी जाणी पता जे ना कलगिया वाले पिता महाराज मैदाने जंग विच इक दुश्मन बन के आया सैद खां उहदे ते दृष्टि पा के मैदान ए जंग विच ही उस नू रस दे के फकीर बना देंदे कर। प्यारो कदे सुनिया जे पैन वाहिगुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर एक पाखंड दी दुनिया विच प्या खोए आए तांत्रक उहदे कोल है जिहदे ते त्रुट पै एक दृष्टि पाई ने इन्ना रस दिता ने कौम दा आगू बना के भेज दिता ने। जेकर एक तांत्रक वाले ते मेहर पा के उहदे च रस भर सकदे ने एक दुश्मन बन के आया उहदे जीवन च रस भर के फकीर बना सकदे ने। तुसी ते मैं तां उहदे दर ते बैठे साडी चोलियों क्यों नहीं खैर पाणगे। तुसी उहदे रोज जेकर वाहिगुरु करके उहदे दर ते बैठे हो कदे सोच सकदे हो तुहानूं खाली मोड़ देवेगा नहीं नहीं मोड़दा। पर अपना भरोसा ना डुलाया करो सगो होर प्यार विच भिज के अंदरों नाम निकले ते आखो जे वाह।